नमस्कार, आज हम हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कनॉट प्लेस है जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। तो दिल्ली के दिल में क्या है, आइए जनता से पूछते हैं कौन किस पर भारी रहेगा। हमारे साथ हैं अंकल, अपना नाम बताइए। अनिल गर्ग। अनिल जी, अभी 25 तारीख को दिल्ली में मतदान होने हैं, क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, देश किस स्थिति में है? विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है, अभी केजरीवाल को जमानत मिली है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर मोदी आ गया तो सारे नेता ख़त्म कर देंगे, विपक्ष ख़त्म कर देगा, अपने बीजेपी के नेता तक कहीं ख़त्म कर देंगे, क्या सच्चाई है इन बातों में? देखिए, आपने अभी जो वर्णन किया कि आगे वाले 10 दिनों के बाद दिल्ली में इलेक्शन है और इलेक्शन तो खैर काफ़ी दिन पहले शुरू हो चुके हैं, मतदान उसका जो भी निर्णय आ रहा है उसकी भी हवा जनता को लगती जा रही है कि किसके वोट आगे जा रहे हैं, किसके वोट पीछे जा रहे हैं जी। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, 7 सीटों का और केजरीवाल जो छोड़े गए हैं जी, मैं भी कानून का छात्र हूँ, LLP पास हूँ जी। जो किया गया एक तरह से वो गलत किया गया, ये कानूनन सही नहीं है कि एक नेता जो जेल में बंद है और उसको 15 दिन के लिए छोड़ा गया। इस तरह से तो कोर्ट कचहरी के अंदर, जेल के अंदर लाखों हजारों लोग भर्ती हैं, उनको भी छोड़ना चाहिए। इसको तो बहुत सारा बवाल खड़ा हो सकता है। और फिर केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं 15 दिन के बाद वापस जेल जाऊंगा ही नहीं। क्या 15 दिन के अंदर उनको अपना विजय पत्र मिल जाएगा कि वो दिल्ली से जीत गए या 7 सीटें वो जीत गए? ये तो नामुमकिन है ना। तो इस तरह के वर्ड जो वो दोहराते हैं, इससे उनके चेहरे पे साफ नज़र आता है कि वो कितने बड़े बेईमान, कितने बड़े दुष्ट और कितने बड़े एजुकेटेड हैं, कितने बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, वो IAS ऑफिसर रह चुके हैं और इस तरह के वो अपने अपने अरमान, इस तरह के अपने अपने भाषण दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इसलिए है कि मैं तो खुले शब्द में कहूँगा कि दिल्ली देश, दिल्ली शहर जो है, आज तक जितने भी यहाँ पे जवाब तलब हुए हैं, जितनी जनता है, उस पूरी जनता में 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो केजरीवाल के फेवर में हों। क्योंकि केजरीवाल को जमानत मिली है सर, तो क्या लगता है कि बीजेपी के कुछ वोटों पे फ़र्क पड़ेगा? केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के जो वोट पहले मिलने थे वही वोट अब बीजेपी के वोट मिलने हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिल्ली शहर में घूमे और किसी व्यक्ति से केजरीवाल के बारे में पूछ ले, मोदी के बारे में पूछ ले, किसी से पूछ ले भैया तुम किसको वोट दोगे, तो उसके मुंह से यही निकलेगा मैं मोदी जी को वोट दूंगा। बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा केजरीवाल का बाहर आने से बीजेपी को उसने हिला दिया। अच्छा जी, जो उसके समर्थन थे ना वो सब उसके साथ इकट्ठे हो गए और 7 सीट जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो केजरीवाल जैसे कह रहे हैं अगर इस बार मोदी आ गया तो सारा विपक्ष खत्म कर देगा, तो क्या सही बात है? मोदी का तो अभी 4 महीने बचे हुए हैं, उसको रिटायरमेंट ले घर बैठेगा, उसको अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसका जो है। ये तो आप केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल केजरीवाल की बिल्कुल भाषा बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। वो देखो ना, उसी ने मोदी साहब ने नियम बनाए ना, सारे जितने भी बीजेपी के नेता सब घर बिठा दिए ना, तो नंबर अब मोदी साहब, मोदी साहब तो बहुत फिट है अभी 5 साल इसके बाद भी। रूल तो रूल सबके लिए बराबर है, रूल तो सर कानून का रूल नहीं है। नहीं, किसके
कानून का कोई रूल? हाँ, कानून का कोई रूल नहीं। मोदी साहब ने तो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो बनाया था रूल, वो तो रूल तो मोदी साहब, वो रूल तो उसने खुद अपनी पार्टी के लिए बनाया था ना, तो वो उसको खुद तो फॉलो करे। ये क्या है कि मतलब दूसरों को हटाने के लिए, अपनी पार्टी के बंदों को हटाने के लिए उसने बढ़िया से, अमित शाह तो कह रहे हैं यही पारी निभाएंगे पूरी। अमित यार ये देखो, अमित शाह मोदी के बारे में कहते हैं, मोदी अमित शाह के बारे में कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के बारे में कहते हैं, पब्लिक से कोई मतलब है नहीं इन्हें। आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे भैया? देखो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो करप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई किसी किसी चीज़ की नहीं हो रही है। कल परसों वो इतना बड़ा होर्डिंग गिरा कल मुंबई में, 14-15 लोग मर गए उसमें, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलवे बोल रहा हमारे हमें नहीं पता, जो BMC वो कह रहा हमें नहीं पता, सब ऐसे ही चल रहा है, बस हमें नहीं पता। हमें दो दिन बाद में मीडिया सब गायब कर देता है, किसी को कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पिछले 5 साल में। आपका नाम क्या है? अनुपम पांडे। क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दो बार बोल, तो क्या लगता है कि जो बेरोजगारी विपक्ष इल्ज़ाम लगा रही कितना सही है वो? ये फैक्ट है भाई साहब, मेरे कल का एक कज़िन आया है, वो मुंबई से आया है, उसकी जॉब बड़ी मुश्किल से यहाँ लगी है, 15,000 रुपये में उसने MBA किया है, 15,000 में बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब लगी है 8 महीने वेट करने के बाद में। तो ये ग्राउंड प्रॉब्लम्स तो यही सारी है, पर प्रॉब्लम घुसा दिया कि कहीं मंदिर में, कहीं इसी चीज़ में, बस आपस में ये भटका दिया। मोदी जी हमेशा ध्यान भटका रहे हैं, आज हम विश्वगुरु लाएंगे, आज हम विश्व भारत बनाएंगे, आज हम अमेरिका से ऊपर है, मेरा भारत बहुत रफ्तार में गति में जा रहा, युवक गति में जा रहा, इतना गति में जा रहे थे जेब में एक रुपया नहीं आई। कौन पसंद है? अच्छा बताओ तुम्हें कौन पसंद? हमको पसंद किसी को नहीं आई, सब ने सब एक को तो बनाओगे। हाँ सुनिए, जितना नेता हमारे हिंदुस्तान में 542 नेता है, और सब बेईमान है, फिर भी देश मेरा महान है। ठीक है, आ सुनिए, रह गया मोदी जी के बाद, इस बार मोदी जी कोई कयामत में बहुमत में आ रहा न 150 सीट आ रहा। नाम बता दो। मेरे नाम सिकंदर खान। खान साहब बहुत बढ़िया, क्या नाम है जी आपका? ये किसी और को। अरे तो खाने में व्यस्त हैं आप, तो बोलने में व्यस्त हो ना। राजेश नाम है। उतार दो ना, कोई ऐसी बात नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो क्या लगता है किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालोगे? बेरोजगारी और महंगाई। हाँ जी, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, तो बदलाव चाहते हो आप? बदलाव हाँ जरूर है जी जी। सबसे मेन बात क्या है, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो अपने काम गिनाओ, या आप क्या करोगे वो गिनाओ, उसी आधार पर वोट जाएगा। अगर भाई साहब कमल ने कभी काम गिनाए हो हम कमल को दे देंगे, अगर नहीं गिनाए हैं तो सीधी बात है तैयारी करो। बात जनता काम के वोट पर देगी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? राकेश। क्या लगता है 25 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे? मुद्दा क्या, जो आम जो युवा वर्ग है जी, वो है दरअसल में परेशान जी, आज से नहीं है, 10 साल तो हो ही गए, वो चेंज तो चाहता है, चेंज चाहता है वो, क्योंकि भाई जॉब ही नहीं होगी तो आगे का भविष्य कैसे बनेगा लोगों का। चेंज तो चाहता। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी आ गए तो वन नेशन वन लीडर हो जाएगा। हाँ देखो, सब लोगों का ऐसा है, अपने अपने व्यूज सब देते हैं, असल में कानून की पकड़ नहीं है कहीं, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, चलते हैं, और जिसकी लाठी उसका बैस, ऐसे बोलते हैं, या जिसकी बैस उसकी लाठी, तो उस तरह से चल रहा है, बरसों से चलता आ रहा है ये। क्या नाम है जी? प्रमोद कुमार। वोट डालोगे 25 तारीख को? बिल्कुल डालेंगे, ये तो हमारा अधिकार है। बहुत बढ़िया, तो कोई मुद्दा है, किन मुद्दों पे वोट डालोगे? मुद्दा तो डेवलपमेंट ही, और क्या है? तो हो रहा है डेवलपमेंट? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, संतुष्ट हो आप? ये संतुष्ट तो आदमी हो ही नहीं सकता कभी, ये बात। संतुष्ट हो जाएगा तो मतलब आदमी खत्म। केजरीवाल को जमानत मिली है और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बीजेपी में हमले चालू कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी आ गए विपक्ष खत्म हो जाएगा। अगर अगर जमानत नहीं मिलती तो लोकतंत्र खत्म हो चुका होता, ऐसा यही बोलते हैं। अब जमानत मिल गई तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि लोकतंत्र जिंदा है, बोलना चाहिए ना। जेल में डाल दिया तो लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन जमानत मिल गई तो लोकतंत्र एक बार भी नहीं बोला कि लोकतंत्र जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इनकी गिरफ्तारी इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे, और 2 साल आपने वेट क्यों करा? केजरीवाल भी तो जवाब दे सकता था, पहला दूसरा नोटिस गया था, 8-9 नोटिस का ही वेट कर रहा था वो, कि 8-9 नोटिस आएंगे तभी जाऊंगा, और इलेक्शन के टाइम पे ही मैं भी जाऊंगा। मोदी बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने से? देखो लोकसभा इलेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, दिल्ली वाले हो सकते हैं उनको फर्क पड़ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्या शर्मा। सत्या जी वोट डालोगे?
वोट हमारा हो चुका है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। कोई बात नहीं, किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? विकास के मुद्दों पे, हमारी धर्म संस्कृति आगे बढ़ रही है, इन मुद्दों पे बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है, अपराध कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने एनकाउंटर हो रहे हैं, जो क्राइम था वो बड़ा कम लेवल का हो गया है। पूर्वांचल में अपराध की संख्या जो होती थी आप वो देखिए वो कितना कम है। तो बहुत सारे ऐसे गिने जाएँ तो हज़ारों मुद्दे हैं जिनको सोच के वोट डाला गया है। गुरप्रीत जी, 25 मई को वोटिंग है दिल्ली में, क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? सर, 25 मई हो या पुरानी कोई डेट निकल गए, मुद्दे तो तीन चार ही होते हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए। पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, और अपना रोजगार में तो होती है। शिक्षा को लेके भी केजरीवाल इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती। अब बीजेपी वो तो है ही, ध्यान नहीं देती। आप देख लो ना, 94% रिजल्ट है आज जी दिल्ली का, और साउथ का 99% है उसमें। और कौन सी पूरी दुनिया में एजुकेशन फ्री है, ये दिल्ली वाहिद एक ऐसी सरकार है जो पढ़ाई पे जीएसटी लगाती है। अगर आज बच्चे किसी को बाहर भेजना आपने तो उस पर 18% जीएसटी है। अगर 30-40 लाख रुपये आपने फीस दी है तो 20% आप लगा लो उसमें एक्स्ट्रा। जो पढ़ाई दूध पे पढ़ाई पे जीएसटी लगाती है वो सरकार का क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई नॉर्मल इंसान उस पर? सर, एक चीज़ और देखी जा रही है, वोटिंग जो है कम हो रही है। कोई सा आज चौथे चरण में वोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई अगर वेस्ट बंगाल को छोड़ के, तो क्या लगता है कि वोटिंग कम होने से कितना असर पड़ेगा? सर, पहले जब मध्य प्रदेश राजस्थान में इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने सारे बदल दिए, शिवराज चौहान को बदल दिया, दिल्ली में 6 के 6 MP बदल दिए। अगर सपोज आज मैं अपना उससे हर्षवर्धन जी से प्यार करता हूँ, उनको आपने घर बिठा दिया, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि हर्षवर्धन की जगह जो दूसरा बंदा आएगा बीजेपी का मैं उसको वोट दूंगा। बीजेपी को अगर जिसने वोट देना वो बीजेपी को देगा तो वो कहता है यार मैं वोट ही नहीं देना मैंने इसको, ये हो रहा है। ये भी रीज़न है। क्या नाम है आपका? कुंवर दिग्विजय सिंह। कुंवर, 25 मई को वोटिंग होनी है बल्कि देश में चली रही है, आपने जहाँ भी दिया हो, तो क्या मुद्दों के आधार पर आपने अपना वोट डाला? देखिए, हमारे लिए तो सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे होने चाहिए, जो कि फिलहाल अभी तो यहाँ कोई मुद्दे दिख ही नहीं रहे। चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी हो, सब अपना हिंदू मुस्लिम यही कार्ड खेल रहे हैं। दलित हो, जाट हो, गुजर हो, ठीक है, मीणा हो, इसी में अपना लड़ा रहे हैं वो। इसके अलावा कोई और काम यहाँ पे भी कोई सरकार कर नहीं रही है। अच्छा। चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे बिहार में लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, केजरीवाल लगातार हमला बोल रहे हैं बीजेपी की कि अगर मोदी इस बार आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही तंत्र चालू हो जाएगा। लोकतंत्र को ही खत्म कैसे कर सकता है, आप बताइए ना। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान कहाँ बदला, कितनी बार बदला गया संविधान? संविधान जरूरत के हिसाब से बदला जाता है, उसके लिए बाकायदा अनुच्छेद है, सब लोग पढ़ते होंगे। अब तक जितनी बार संविधान बदला गया है कोई ना कोई रीजन की वजह से बदला गया है, जो देश की जरूरत के लिए था। राजीव गांधी जी ने लाल किले से ये बोला था कि हम संविधान को तब तक नहीं छुएंगे जब तक जरूरत नहीं होगी, और संविधान बदलने में कांग्रेस का सबसे आगे रही है अब तक। संविधान में अमेंडमेंट्स, देखिए किसी भी कानून में होता है अमेंडमेंट्स होते हैं, चीज़ें बदली जाती हैं जिससे आम लोगों के लिए कानून आसान हो सके। इस समय आप देखिए तो बिजनेस करना काफ़ी आसान है भारत में, पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ अभी समय आप देखेंगे तो भारत में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगी है, पहले नहीं थी। तो चीज़ें बदलती हैं हर एक हिसाब से, आपके हर किसी को खुश तो नहीं किया जा सकता ना। कोई भी चीज़ हो, आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आज नहीं होंगी, आगे जाके हो सकता है सस्ती हो जाए। किसी भी चीज़ का आप उदाहरण के तौर पे एक मान लीजिए, आज के सबसे ज़रूरी है डेटा। आप डेटा उठाकर देखिए तो डेटा पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे सस्ता अगर कहीं है तो भारत में है। क्यों है भाई, मत करो फिर डेटा यूज़, आराम से बैठे रहो घर पे। लेकिन 4-5 लोग ऐसे कुछ पार्टियां हैं कि अपने अपने ज्ञानचंदों को खड़ा कर देंगी, एक फ्री का डेटा मिल जाता है और वो इससे में व्हाट्सएप पर अपना और हर तरफ ज्ञान देते रहते हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर आप क्या बोलेंगे? आप यंग है, युवा है, और बेरोजगारी विपक्ष हमला लगातार कर रही है बीजेपी की, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है। देखिए बेरोजगारी तो है ही ऑलरेडी, बेरोजगारी में कहीं कोई कमी नहीं आई है, और बेरोजगारी में कमी तब तक नहीं आएगी जब तक आपके यहाँ जनसंख्या में कमी नहीं होगी, ये बात ठीक है। तो बेरोजगारी और महंगाई ये तो आप छोड़ दीजिए, अगर महंगाई का आप डेटा उठा के देखेंगे तो जो आटे का भाव 18 रुपये में छोड़ के गए थे, वो आटे का 2014 में उसी आटे का भाव 36 रुपये से ऊपर था, तो बेरोजगारी किस हिसाब से हो गया? जी बिल्कुल बताइए। सर, भाई ने सही बात बोला कि बदलाव होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि बदलाव नहीं सुधार होना चाहिए। अगर पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया तो जो अब पहले भी तो सरकारें बदलती हैं, जो पहली बार थोड़ा ना कि कांग्रेस के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, वीपी सिंह आया था, आई के गुजराल जी आए थे, अब हर चीज़ को सुधारो। ये सरकार तो ऊपर से लेकर नीचे तक बदलने पर तुरी है। अब टैक्स रिजीम को आपको जीएसटी लगाना तो उसको सुधारते, क्या जरूरत थी जीएसटी की?
उस हर चीज़ को आप सुधारो ना। अगर पुरानी सरकारों ने GST से जो इतना फंड आया है, बहुत सारी फंड का कोष बढ़ा है भारत का, फंड का कोष, GST का फंड का कोष कहीं कह नहीं सकते कि अगर 1.5 लाख करोड़ की कलेक्शन है तो सर उसमें 2 लाख करोड़ की देनदारी भी होती है। GST में इनपुट आउटपुट है, उसमें तो हम कर ही नहीं सकते, उसमें क्या। अब एक्सपोर्ट देखो ना, उससे पता लगता है कि टैक्स फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इम्पोर्ट देखो, इम्पोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया। अपना नाम बताइए। सुल्तान। दिल्ली से वोटर हो आप? हाँ, दिल्ली से वोटर हैं। तो 25 मई को वोट डालोगे? क्यों नहीं वोट डालेंगे, ये तो हमारा अधिकार है। अच्छा, तो क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट डालोगे? मुद्दे रहेंगे, देश हित में जो काम हुए उन पर वोट करेंगे, सेंटर का चुनाव है तो सेंटर के हिसाब में जो काम हुए उस पर वोट करेंगे। क्या राष्ट्रीय मुद्दे क्या आपके हिसाब से? राष्ट्र मुद्दे क्या है, देश की सुरक्षा सबसे बड़े बात और सबसे बड़ी बात। आज जो देश का डंका बज रहा है विदेशों में, हो रहा काम हुआ है इतना, सड़कें देखो आज। ये कल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनने थे, आज भाजपा के बन गए। ये आपने बात सही की, जो NH राष्ट्रीय मार्ग है उनमें सुधार हुआ है, ये बात ठीक है। हाँ, जो जहाँ पे हम 6 घंटे में जहाँ जाते थे, 6 घंटे कितना पेट्रोल फूकता था गाड़ी में, अब वही 3 घंटे में जा रहे हैं तो बचत हो ही रही है ना। उसको काम तो देखना है, क्षेत्र में देखो, हाईवे देखो, सीधा सीधा काम दिख जाएगा। अब 4 तारीख नजदीक है, अब ये कयास लगा रहे हैं कि BJP चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, भाई सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनसे ये पूछ लो 4 तारीख को, ये ना बोले कितनी सीट की उम्मीद है। मेरे हिसाब से 300-350 सीटें आ रही हैं BJP की, कहीं नहीं हो रही है। उमा शंकर चौबे। चौबे जी दिल्ली से वोटर हो? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से? मैं तो जोधपुर से। तो गए थे वोट डालने? हाँ, वोट गए। किन मुद्दों के आधार पे वोट डाला? क्या संतुष्ट हैं आप इस सरकार से? ये विपक्ष जो लगातार हमले कर रही है, उनमें सच्चाई है कुछ? सब फर्जी है। अच्छा, विकास के मुद्दा है, बढ़िया चल रहा देश, अयोध्या हो गया? अयोध्या हो गया। कैसा लगा? बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया लगा। है बढ़िया लगा, सब ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सिंह राठौड़। बताइए, क्या खिचड़ी पार्टी हो जाए, देश कैसे चलेगा? देश चलेगा, ऐसी बात नहीं है, देश नहीं चलेगा, देश भी चलेगा। बढ़िया हाल है देश में? हाल तो बढ़िया तो नहीं कह सकते, ठीक है। ठीक, तो विपक्ष हमले लगा रहा है, उनमें कितनी सच्चाई है? केजरीवाल ने जमानत पे आते धुआंधार हमले करने चालू कर दिए BJP पे, मोदी आ गए तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, यहाँ तक ये कह रहे हैं 2 महीने बाद योगी को हटा दिया जाएगा। ये तो देखो कुछ भी हो सकता है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए, मोदी जी जब गुजरात में थे, मुख्यमंत्री पद पे थे, वहाँ शंकर सिंह बघेला थे, उनको हटाए, ठीक है। अभी राजस्थान में BJP की CM थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनको साइडलाइन किया, शिवराज सिंह जी को साइडलाइन किया, ठीक है। और उसके बाद में सब नए नए भरना सिंह जी को तो वो दे दी टिकट, नहीं टिकट दिया, CM पद से तो हटा दिया ना, अब नए नए डाल रहे CM पद पे, मतलब अपनी मर्जी के डालोगे आप? 2 ही आदमी सरकार चलाएंगे क्या? ये बात है, पहले भी 2 ही आदमी चलाते थे जी सरकार। नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है कि नहीं बात? ठीक बताइए। पहले भी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह चलाते थे हमेशा, तो गलत क्या है? नहीं कोई गलत नहीं है ना, मतलब खराबी क्या है ये अभी जो सरकार है उसमें क्या खराबी है? आप बताइए। मुझे तो कुछ नहीं लगता। क्या कुछ नहीं लगता भाई, मुझे तो फुल सब हुआ, बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। अगर 60 साल में जो हुआ तो 10 साल में कितना कर सकेंगे, ठीक है। और अगर भाई साहब ने कहा शंकर सिंह बघेला की बात करें, तो एक एज होती है ना, एक एज के बाद नौ क्या एज क्या होनी चाहिए आपके साथ भाई? एक नौ युवा को देना चाहिए ना, वो बताओ। बता रहे मोदी जी ने क्या नहीं किया? 2014 में उसमें केजरीवाल कहां गलत बोल रहा है? मोदी जी ने बोला था ना 2014 में, बोल के खुद फंस गए, खुद बोले थे कि भाई 75 के बाद में रिटायर, बल्कि मोदी जी फिट इतने अभी और भी काम कर सकते, बिल्कुल कर सकते भाई। हम बताते हैं, हमारे मोदी जी इतना फिट है कि कभी भी राहुल गांधी के सामने कर देना, 4 बार नहीं 10 बार उठा पटकेंगे, उठा के फेंकेंगे मोदी हमारे। सुनिए जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम ये सब अच्छी बात नहीं है, जय श्री राम बोलो जहाँ पूजा पाठ करो वहाँ, यहाँ जय श्री राम नहीं, यहाँ भारत माता की जय, समझे? नहीं, जय श्री राम हमेशा नहीं बोला जाता है, यहाँ बोलो भारत माता की जय। पर यही कांग्रेसी भारत माता की जय बोलने में शर्म लगता है। क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम तो पूछो मत, नाम बहुत अच्छा है मेरा, ठीक है। नाम क्या दिक्कत? ठाकुर है। अच्छा, ठीक है। और रही बात मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बारे में,
तो मोदी जी को रिटायरमेंट तो लेने के तैयार है, बाकी हम देने के लिए तैयार नहीं ना। हम तो 400 पार कर रहे हैं बार बार, बिल्कुल हम देने तैयार नहीं है, हम बिल्कुल देंगे। ये तो बार बार कह रहे हैं कि हमको भाई अब करो छुट्टी करो। विपक्ष कह रहा है कि मोदी दूसरे पुतिन है, जैसे पुतिन अपने आगे सब खत्म कर दिया उसने रशिया में, इसलिए ये भी खत्म कर दिया। ऐसा है ना, अगर अपना देश को सेफ करने के लिए अगर पुतिन बनना पड़ेगा ना मोदी को, तो बनेगा और बनना चाहिए। सेफ होंगे किससे? बिल्कुल भारी ताकतों से। भाई बॉर्डर के चारों तरफ देखो, बॉर्डर के चारों तरफ देखो, ऐसे ऐसे बैठे हैं कि अगर मौका मिले ना तो भाई साहब आपका कैमरा भी गायब और ये क्या बोलते हैं आपका मैक भी गायब हो जाएगा और आप भी गायब हो जाओगे। और सुनो, विश्व युद्ध छोड़ो, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था, बाकी WHO का मेहरबानी मानो, कोरोना ये चाइना का मेहरबानी मानो कि भारत में कोरोना आया, समझे नहीं ना, तीसरा भी होने वाला था। ठीक है, आइए मोदी जी के देन है कि आप भी बच गए हम भी बच गए। आज बच... क्या कहानी है, एक बार सीट बता दो कितनी आने वाली बीजेपी भाई। ये बताते हैं, दिल से बताते हैं कि 400 से पार आएगा और मोदी सरकार आएगा और बार बार आएगा, सुनो इसके बाद कोई नहीं आएगा। और सुनो, अब कोविशील्ड के बाहर बात कर रहे हैं ना, तो हम भी लिए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमारे अंदर 75 बीमारी था, सुनो हमारे अंदर 75 बीमारी था, आज एक भी बीमारी नहीं, फिट घूम रहे हैं। बोलो भाई, अगर हमें भी कांग्रेस तरफ से पैसा मिलेगा ना तो हम भी बीजेपी के खिलाफ में बोलेंगे। इच क्या है, लोग ऐसे करते हैं। मिला नहीं क्या पैसा भाई, हम किसी से पैसा क्यों ले। ये बात क्या नाम है, ये बहुत अच्छी बात नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया बोला। बताइए अब क्या आपका सवाल है, अब मैं बताता हूँ कि ऐसा होता है कि कोई भी जैसे 10 साल से वो कर रहे हैं तो विपक्ष है ना वो मजबूत होना चाहिए। अपने कोई मोदी से हमारा कोई पर्सनल नहीं है, पर पहले क्या था कि तेल के भाव बढ़ते थे तो वो बैलगाड़ी लेके निकल आते थे, फिर गैस के भाव बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी गैस की बोतल लेके चली आती थी। अभी किसी को ऑपोजिशन वाले को किसी को समझो, ये क्या है, गरीब पब्लिक को मालूम चलता नहीं। एक तो एजुकेशन का बहुत, अपने वहाँ ये लोग भले RTE लाए कोई भी लाए, आप देख लो एजुकेशन का बहुत है, इनको क्या एक गधा चलता है तो सब चलने लगते हैं। पर देखना चाहिए कि जो अपोजिशन पार्टी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो आप देखो मेघवारी कितनी थी, नहीं थी। मनमोहन जी थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने कंट्रोल करके रखा था सब कुछ। यही आदमी यही भाईचारे हैं, खाना खाते हैं हिंदुस्तान के, गाना गाते हैं पाकिस्तान के। क्या कांग्रेस की सरकार में क्या लोलू सब सुनो भाई, अगर आप लोग को लगता है कि मोदी जी के राज में तेल का कीमत बढ़ा है तो, और कांग्रेस के राज में तेल का रेट बढ़ता था तो मोदी जी मतलब बीजेपी वाले बैलगाड़ी लेके निकलते थे, तो भाई उनको चलाने का लूर था। ये तो गधे हैं, इनसे क्या चलेगा। ये तो गधे हैं, सही कह रहे हैं क्या लग तो भैया बिल्कुल सही रहे। दिल्ली से वोटर हो आप? नहीं नहीं, लखनऊ से। तो किन मुद्दों के आधार पर वोट? अब मुझे भैया मोदी जी की सारी नीतियाँ बढ़िया लगती है, बहुत हो गया है अयोध्या तो। कैसा कैसा जलवा है? जलवा ही जलवा है अयोध्या तो। हम एक बार नहीं, हम तो 15 कोसी परिक्रमा होती कम से कम 10 बार जा चुके हैं बनने के बाद। नहीं क्या करते हो दिल्ली? दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं एम्स में बच्चे के। क्या हो गया, क्या परेशानी? ऑटिज्म की समस्या है उसकी। इलाज हो पा रहा है? बहुत धन्यवाद।